रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ईशा कहाँ है? 4 साल हो गए यार तुम लोगों को देखे। ईशा, ईशा नहीं जानती कि मैं यहाँ पर आई हूँ, यानी कि विक्रम जी को भी नहीं। तू पागल है साक्षी, राहुल अभी आता ही होगा। तुमने इनवाइट किया है ना? मुझे बताया भी नहीं। नो विक्रम, साक्षी इनवाइटेड देम। ओके, द रिपोर्टर्स आर वेटिंग फॉर यू, गो। राहुल तुम अपना ये राउडी सड़क छाप बिहेवियर। आप सड़क छाप किसे बुला रहे हैं विक्रम जी? व्हाट्स रॉन्ग विद यू गाइस? व्हाई आर यू क्रिएटिंग अ सीन राहुल? गौरव कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब तुम कुछ भी कहते रहोगे। गौरव को जो बकवास करनी थी ना वो कर चुका है, जो तुम में से किसी ने भी नहीं सुनी। राहुल का इस तरीके से रिएक्ट करना बिल्कुल सही है। राहुल, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, थोड़ा काम था। तुम्हारे हाथ में क्या? राहुल, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें साक्षी के पार्टी में आने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था। पता नहीं क्यों मैं सोच रही थी कि ईशा और विक्रम जी बदल गए होंगे। जस्ट सो डिसअपॉइंटिंग, किस तरीके से बिहेव कर रहे थे सब। आइंदा से हम वहां पर कभी तुम मुझसे नाराज हो? नहीं। राहुल, तुम कुवैत जा रहे हो? क्यों? क्योंकि उस दिन जो कुछ हुआ वो फिर से ना हो, इसलिए। ये सब इसलिए हुआ ना क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, प्रॉपर्टीज नहीं है, राइट? नाउ इट्स ईगो वॉर। तुम देखना देविका, इतने पैसे कमाऊंगा ना सबके मुंह बंद कर दूंगा। राहुल, तुम इन सब चीजों को पर्सनली मत। पर्सनल अटैक को पर्सनली ना ले। लुक प्रियंका, आई एम रियली सॉरी, तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम हो रही मेरी वजह। अगर तुमने मुझसे शादी ना की होती ना तो मुझसे मैं कहीं वेल सेटल होती और खुश होती। मेरी खुशी तो तुमसे। और मेरी खुशी इसमें नहीं है यार, मेरी खुशी इसमें कि मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूं, और वो सिर्फ तब हो पाएगा जब मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। आई प्रॉमिस यू, मैं इतने पैसे कमाऊंगा, इतने पैसे कमाऊंगा कि सबका मुंह बंद हो जाएगा। वो तो वैसे भी हो जाएगा राहुल, तुम्हारा जब कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं आ रहा है, वो डिले हो रहा है, और हमने उसमें अपनी सारी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट कर दी। लुक देविना, मुझे ना एक बहुत बड़ा अमेरिकन टाइम मिला है, इसीलिए मुझे कुवैत जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, तुम कुवैत नहीं जा रहे राहुल। हमें पैसों की जरूरत है, और मुझे तुम्हारी, हमारे होने वाले बच्चे को तुम्हारी जरूरत है राहुल। हमारा मतलब, हमारा बच्चा मतलब? बेबी, यू आर प्रेग्नेंट, सो मॉमी बनने वाली हो, सो हैप्पी है ना? ऑफ कोर्स है ना, क्यों तुम खुश नहीं हो? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, ये तो मेरा सपना था। यू मी, हमारा बच्चा, अपनी एक छोटी सी फैमिली। But I was just not sure, तुम इतने बिजनेस और फाइनेंशियल स्ट्रेस में हो। आई मैं, एक सेकंड, तुम खड़ी क्यों? बैठो, मॉम बनने वाली हो यार, तुम पागल हो गई हो? आर यू सिली? ये मेरी दुनिया की सबसे सबसे बड़ी खुशी है, हम पेरेंट्स बन रहे हैं। डैड, मॉम, आर यू मैड? अच्छा राहुल सुनो, अब तो तुम नहीं जाओगे ना? हेलो, या
या ओके या ऑफ कोर्स कहीं नहीं जाने वाला. यू नो व्हाट, तुम्हारी गुड न्यूज़ के साथ साथ एक और गुड न्यूज़ है. क्या? मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है. ओह या हुआ. अच्छा सुनो, इतनी सारी गुड न्यूज़ है तो फिर हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, राइट? ऑफ कोर्स. तुम बताओ मैं क्या करना है. क्या मैं साक्षी को डिनर पर बुला सकती हूँ? Of course, mommy. You can call. Sakshi, कहाँ जा रही है? बाहर कुछ काम था. नहीं, मैंने सोचा it's your first day of work, so let's celebrate. Lunch maybe? Please यार, celebration का नाम मत ले. Sakshi, कल के लिए I'm really sorry, but you know, Gaurav. विक्रम का गेस्ट था तो उसकी कोई गलती ही नहीं थी. इनफैक्ट दी और राहुल को इतना ओवररिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी. तू उनसे नाराज है और मुझसे नहीं हूं ना. तू कौन सा कुछ कम बोलती है, पर दी से ज्यादा हूं. एटलीस्ट उनको तो कंट्रोल करना चाहिए था यार. पर दिवीना इससे पहले कहां थी? पता नहीं राहुल ने क्या बना दिया उसे. पर एनीवेज आई एम हैप्पी कि तू मुझसे नाराज नहीं है. फर्स्ट टाइम मेरा. ओ प्लीज, मैं कोई तेरी साइड नहीं ले रही हूं. It's just that this time I feel that you were not that wrong. मैं बाहर जा रही हूँ, तुझे कहीं ड्रॉप कर दूँ? डॉक्टर शिफाली के क्लिनिक. क्लिनिक? क्यों? Nothing to worry, just the normal checkup. I don't think you need to get worried. It's gonna be fine. I mean, blood reports सब normal है. तो फिर मैं conceive क्यों नहीं कर पा रही हूँ? I just want to start a family. It's high time. तो थोड़ा वक्त दीजिए. कभी-कभी इन चीजों को टाइम लगता है. Shefali, you know my chums these days. They're come. What are you doing here? Normal routine checkup. आप यहाँ क्या कर रही हैं? Oh, periods नहीं हुए. Oh my God. Are you nuts? Of course. उसके लिए कुछ करना पड़ता है. So, menopause. Listen, Isha, meri umar hi kya hai ab? I'm quite young. I still have a lot of time, you know. Of course. To phir yahan kya kar rahi ho, Nandu? Kya ho gaya sir? Nothing. Shefali is a dear friend of mine. Main yahan se guzar rahi thi, kafi dino se mulaqat nahi hui, so I thought I'll just drop in and say hi. Great timing for me. Dr. Katari is just coming. To aap dono mil lijiye usse. I'll just call the reception. No. डॉक्टर कटारी विक्रम के बहुत अच्छे फ्रेंड है और मैं नहीं चाहती कि विक्रम को पता चले कि मैं यहाँ आई थी. एंड अननेसेसरली ही गेट टेंस्ड. गायनाक विजिट्स तो प्राइवेट ही रहने चाहिए ना. शिफाली विल टेक योर लीव टुडे एंड विल सी यू सून. बाय गर्ल्स. बाय गर्ल्स, टेक केयर. और ये राहुल भी ना फिर से चाबी भूल गया होगा. हाँ बाबा आ रही हूँ, रुको. फिर चा साक्षी, मैंने तो कितनी बार फोन किया लंच पर बुलाने के लिए. कब? क्यों फोन नहीं उठा रही थी? मैं ऑफिस में थी दी, मेरा फोन साइलेंट पे था. गॉड, हो तुझे पता है मेरे दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे थे. लेकिन मुझे पता है तू मुझसे कितनी भी नाराज क्यों ना है, तो मेरी फेवरेट. और ये गौरव जैसे तो उच्चे उच्चे लोग ना हमारे बीच नहीं आ सकते. गौरव बुरा नहीं है, राहुल उसे इतने खराब से क्यों बात करता है? Why does he hate him so much? अरे साक्षी ऐसी कोई बात नहीं है, बिजनेस में ऐसे स्ट्रेस होता रहता है. It's no big deal. But दी ये तो गलत है ना? आपका फोन होगा. राहुल जल्दी बताओ कॉन्ट्रैक्ट मिल गया? Sorry ma'am, it's Gaurav speaking. Unfortunately ये कॉन्ट्रैक्ट फिर से मिलते मिलते रह गया उनको और हमें मिल गया. मुझे सच में उनके लिए बहुत बुरा लगता है. अगर पॉसिबल होता तो मैं खुद उनकी थोड़ी बहुत पेमेंट करा ही देता. बट यू नो कंपनी पॉलिसीज. ये कॉन्ट्रैक्ट उनकी लास्ट होप थी ना. ये भी गया. अब क्या करेंगे बेचारे. थैंक्स. क्या हुआ? कुछ नहीं, चल आ जा. मामा भूख लगी है. मामा भूख लगी है. Thank you.
मम्मा, ओह माय गॉड, मम्मा, पापा, ती आप ये बताने के लिए मुझे फोन कर रहे थे? हाँ, I love you so much. And I love you both so much. You know what? आज ना मैं ज़िंदगी के सबसे खुशी का दिन है. So इसलिए पकड़ो इसको. शुरुआत कुछ मीठे से हो, right? Come on. Come Hello. Hi, Dr. Shefali. I've been eagerly waiting for your call. मेरी रिपोर्ट्स है? हाँ, अभी अभी आए. See, your reports are all clear. Just minor vitamin deficiency है, बाकी सब normal है. तुम totally conceive कर सकते हो. Thank you so much, doctor. That's a great news. वैसे What's wrong, doctor? इशा, तुम्हें याद है डॉक्टर कोठारी आने वाले थे? हाँ. I met him. And उनसे ये पता चला कि विक्रम का स्पर्म काउंट बहुत ही लो है. आज से नहीं, काफी सालों से है. You know, it happens with age. But I don't understand. मतलब? मतलब is तुम विक्रम की वजह से माँ नहीं बन पाओगी. And well, he cannot impregnate you. I'm really sorry, Shah. I'm sorry. Darling, let's get ready. We are going on a vacation. मुझे कहीं नहीं जाना. विक्रम, क्या ढूंढना चाहते हैं आप मेरे फोन में? Why you so insecure? Why? ऐसा क्या नया फोन में मिल जाएगा जो मेरे ड्राइवर्स आपको नहीं बताते, जो जो डिटेल बिल्स में नहीं आता है? What is it? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. मैं तो बस ऐसे ही अरे वो गौरव है ना, वो आज हमारी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा रोड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया है. तो मुझे लगा कि सेलिब्रेट करना तो बनता है. विक्रम, सो नॉट टुडे. नो विक्रम, प्लीज कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट. प्लीज लिसन, वी विल मेक लव एंड वी विल सेलिब्रेट. प्लीज नो, स्टॉप इट. विक्रम, अगर आज आप नहीं रुके ना तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी. चलिए. ईशा, ईशा जल्दी बाहर आ, एक सुपर अमेजिंग न्यूज देनी है तुझे. ईशा दरवाजा खोल, दी इज प्रेग्नेंट, वो मां बनने वाली है. कैन यू बिलीव इट? ईशा, Thank you.
मुझे, क्या हुआ तुझे, ये सब क्या है? उठ। क्या हो गया है? बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं कुछ नहीं हुआ है, जो भी हुआ है ना हम सब ठीक कर देंगे। चल दी के पास चलते हैं, उनको सब बताएंगे। नहीं बोला ना एक बार पर वो सब ठीक कर। नहीं समझ नहीं आता तुम्हें। अच्छा ठीक है, हम दी को कुछ नहीं बताएंगे, पर तू तो चुप हो जा। हाँ मीना को कुछ नहीं बताना चाहता। ठीक है प्रॉमिस, कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है तू चुप हो जा, हम सब ठीक कर देंगे। हाँ और उस रात ईशा की हालत देखने के बाद जो मैंने नहीं किया आज तक सोचती हूँ, अगर किया होता तो क्या कुछ अलग होता, क्या हम खुश होते? अगर ईशा ने देवीना दी से बात की होती तो क्या सब ठीक हो जाता? या फिर जैसा लोग कहते हैं जो होना होता है वो होकर ही रहता है, वो सच होता? आई वंडर, आई स्टिल वंडर।